एवरीवन, दिस इज मीनल हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी के बारे में। अब ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड बिकॉज मैं 6 महीने से इस ट्रिप को प्लान कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली मुझे मौका मिला 1 जनवरी को जब हम गए, और साल के पहले ही दिन हम वैष्णो देवी की यात्रा पे गए और हमारी यात्रा सफल हुई। तो आई टेल यू एवरीथिंग कि हम लोग कैसे गए, कैसे पहुँचे, हमारा क्या बजट रहा, हमने किस तरह प्लान किया, और बेसिकली आप भी किस तरह प्लान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पहला ऐसा ट्रिप था हमारी लाइफ का जहाँ पे हम अपनी डॉटर को साथ में नहीं लेके गए आफ्टर शी वॉज बॉर्न, बिकॉज वी थॉट द डिस्टेंस इज़ टू मच और ऊपर से सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं और राघव ही गए, इसीलिए बिकॉज हम अपनी डॉटर को साथ में नहीं लेके गए थे, तो हमने ये ट्रिप काफ़ी फास्ट फास्ट प्लान किया। हम बेसिकली सैटरडे को दिल्ली से चले और संडे रात को हम दिल्ली में वापस भी आ गए थे। तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ डिड वी गो देयर। अब हम लोग दिल्ली से ट्रेन ली हमने, सीधा हम काटरा पहुँचे। हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ली थी जो दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और 2 बजे काटरा पे पहुंचती है। सो दैट इज़ सुपर फास्ट ट्रेन एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन दैट कैन हेल्प यू रीच काटरा एट द अर्लीस्ट। तो ये अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, वॉशरूम्स बिल्कुल क्लीन थे, जो कि मेरे लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लेग रूम की बात करें, जो राघव के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो काफ़ी लंबे हैं, तो लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेन्स। जब मैं नॉर्मल ट्रेन की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शताब्दी टाइप्स। हम लोग जनरली शताब्दी ट्रैवल करते हैं तो चंडीगढ़ जाने के लिए ट्रैवल करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में लेग रूम काफ़ी ज़्यादा था और वैसे भी ट्रेन बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। तो ये हुई बात ट्रेन की। अब बात आती है खाने पे। खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा नहीं थी हमारे साथ, तो हम लोग इसलिए खाने के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे। हम घर से कुछ भी नहीं लेके गए थे खाने के लिए, और ट्रेन में खाना बहुत ही अच्छा था। पहले तो मॉर्निंग टी विद बिस्किट्स मिला, फिर ब्रेकफास्ट मिला जो कि बहुत ही यमी था, सैंडविचेस, कटलेट, ब्रेड वगैरह मिली, बहुत ही अच्छा था, और छोले कुलचे भी मिले थे। हाँ, और फिर लंच की बात आती है, हमें सब्ज़ी मिली, दाल मिली, चावल, रोटी, दही, अचार, और इनफैक्ट स्वीट डिश में आइसक्रीम भी मिली थी। तो खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और क्वांटिटी भी इनफ थी एक इंसान के लिए, तो आपको घर से कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। खाना बहुत ही टेस्टी था और ये सब टिकट में इंक्लूडेड रहता है, सो रुपए की भी कोई चिंता नहीं है। तो उसके बाद बात आती है, हमारी ट्रेन लगभग 45 मिनट्स लेट थी, तो हम नियरली स्टेशन पे पहुँचे 2:45 पे। और हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या हमें कोविड रिपोर्ट चाहिए या नहीं। तो इन ऑर्डर टू गो टू काटरा, हमें कोविड रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी चाहिए अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं हो। अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो आप अपने वैक्सीनेशन का वो ले सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। हमने मोबाइल पे ही बस डाउनलोड की थी, हमने प्रिंट आउट नहीं लिया था, तो वो भी वैलिड है। तो जब हम ट्रेन पहुँचे, हाँ एक चीज़ और हमारे साथ हुई, जब हम ट्रेन में थे ऑन द वे हमें पता चला कि उस दिन वैष्णो देवी में 31 जनवरी को वैष्णो देवी में रात को कुछ स्टैम्पीड हो गई थी जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। वैष्णो देवी में शायद पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो वी वर काइंड ऑफ थिंकिंग वेदर वी शुड गो और नॉट। पर हमने सोचा, हमने टिकट्स भी बुक कर ली हैं, ऊपर से हम ऑन द वे हैं, तो अब हम चढ़ाई तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे। पर हमने ये भी सोच लिया था, अगर कहीं पे भी हमें लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है या भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो वी विल कम बैक। हम ये मान के चले थे अगर माता बुलाएगी तभी हम दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो हम चुप करके वापस आ जाएंगे। तो ये सोच रखते हुए हम लोग काटरा पहुंच गए। काटरा पहुंचने के बाद वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी, 200-300 मीटर लंबी लाइन लगी, बिकॉज जो भी इंसान आ रहा था उसकी चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के बाद ही उसको ट्रेन स्टेशन से बाहर जाने दिया जा रहा था। पर फॉर्चुनेटली वो लाइन बहुत जल्दी मूव कर रही थी एज सच, तो बाय 3:15 हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए थे काटरा स्टेशन से, और उसके बाद हम पहुंचे अपने होटल में।
okay. Not so great, but not so bad. Sofas and a dining table, or a table, bed, table, and this view. यहाँ से आई थिंक सीधा वैष्णो देवी का भवन दिख रहा है ऊपर, जहाँ पे हम जाएंगे आज. टीवी भी है, डीसेंट टेबल है, एंड दिस इज द मिरर. एज सच लेट्स लुक एट द वॉशरूम. मैंने भी अभी तक नहीं देखा है. वॉशरूम इज प्रीटी डीसेंट रहेगा राइट. नहाने का स्पेस होटल पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने नहावा लिया, बिकॉज हम सुबह ज़्यादा जल्दी चले थे तो हम नहा के नहीं आए थे. नहाने के बाद, तैयार होने के बाद हम नियरली 5 बजे रेडी हो गए थे. अब हमने सोचा या तो हम 5 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करें या रात को स्टार्ट करें. तो हमें होटल के जो ओनर थे उन्होंने ही बोला कि आप यात्रा लेट स्टार्ट करें तो बेटर है, बिकॉज आपको दर्शन में रश नहीं मिलेगा. तो हमने उनकी रिकमेंडेशन मान ली. हमने सोचा हम यात्रा 9 बजे स्टार्ट करेंगे. तो 5 बजे हमने सोचा चलो अब हम कटरा की मार्केट घूम आते हैं. तो हम मार्केट घूमने गए. मार्केट बहुत ही सुंदर लग रही थी. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो रात को भी ज़रूर जाना. बहुत लाइटिंग होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है. और उसके बाद हम वहाँ पे बहुत तरह की शॉप्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट वहाँ की स्पेशलिटी है. अखरोट लिए बिना बिल्कुल भी मत आइएगा, तो ज़रूर ख़रीद के लेके आने का लेके आइएगा. वहाँ के बहुत ही स्वाद है. हमने काफ़ी सारे अखरोट खरीदे, इनफैक्ट सबको गिफ्ट भी किए. और हम लोगों ने वहाँ पे शॉल भी खरीदी जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है. वन ऑफ देम इज़ दिस वन जो मैं पहने हुए हूँ. तो हम लोगों ने कुछ कुछ शॉल्स खरीदी, एक आध सूट खरीदा और फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदे और कुछ छोटे मोटे खिलौने भी खरीदे मेरी डॉटर के लिए. ये सब करने के बाद हाँ एक चीज़ और, वहाँ के स्नैक्स बहुत ही अच्छे हैं. अगर आप मार्केट में जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स आपको मिलेंगे. कुलचा छोला मिलेंगे आपको वहाँ पे, तंदूरी सामान मिलेगा लाइक पनीर, सोया, या फिर आपको गुलाब जामुन, कड़ा हुआ दूध, जलेबी, ये सब कुछ मिलेगा. तो बहुत ही यम्मी टेस्टी ताज़ा खाना बन रहा होता है. तो हमने भी कुछ स्नैक्स के खूब मज़े लिए. तो आप भी ज़रूर ट्राई करना. तो वो सब करने के बाद हम 8 बजे अपने होटल वापस आ गए. और फिर भी 1 घंटा बचा था तो हमने सोचा हम एक बार सो लेते हैं, बिकॉज़ हमें रात को सोने का मौका नहीं मिलेगा. तो 8 से 9 हम एक्चुअल में सो गए गहरी नींद. और 9 बजे हम उठे और फिर हम जल्दी जल्दी तैयार होके 9:15 बजे तक अपने होटल से बाहर आ गए थे. तो 9:15 बजे हमने ऑटो लेके बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचे. बाणगंगा चेक पोस्ट वो जगह है जहाँ से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है. तो हमारे होटल से बाणगंगा चेक पोस्ट नियरली 1.5-2 किलोमीटर ही था. तो हम जल्दी से वहाँ पे पहुँच गए और फिर वहाँ से हमने अपनी यात्रा पर्ची चेक करानी थी. अब एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं यात्रा पर्ची ज़रूर ले लें ऑनलाइन. माता वैष्णो देवी की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यात्रा पर्ची ले सकते हैं. तो वहाँ पे लेने से बेटर है कि आप ऑनलाइन ही ले लें. तो वहाँ पे लाइन बहुत ही नेग्लिजिबल ही थी, 10-15 लोग ही थे. तो हमने जल्दी से अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाई और हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी. तो यहाँ से हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं. जय माता दी. 9:30 बजे के आसपास. तो उसके बाद हम लोग यात्रा स्टार्ट करने के बाद थोड़ी ही दूर बाद वहाँ पे हमें दिखाई दिया 2 रास्ते हैं. एक है ताराकोटा मार्ग, एक है नॉर्मल मार्ग जहाँ से घोड़े और हर कोई जाता है बेसिकली भवन की तरफ.
तो हम सोच के तो ये आए थे कि हम ताराकुट्टा मार्ग से जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ से घोड़े नहीं जाते और हमने सुना था नया रास्ता बना है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पर लोकल्स ने हमें बताया कि ताराकुट्टा मार्ग रात को बहुत ही लोनली हो जाता है, ऊपर से वहाँ से रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो दे रिकमेंडेड अस कि आप नॉर्मल रास्ते से ही जाइए। तो हमने वही किया, हम नॉर्मल रास्ते से ही गए। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, मिल के बोलो। जय माता दी। 3.5 किलोमीटर। ओके, और अभी हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आर यू लाइकिंग इट? यस, कितने देर की इच्छा पूरी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। और अभी हम लोग ने वी जस्ट हैड 2 plentiful plates ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड। अभी हम लोग बहुत एनर्जाइज फील कर रहे हैं और आगे अब देखते हैं कि और तक आगे जा सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप अर्थक्वारी के आसपास लेंगे, विच इज आफ्टर 3 किलोमीटर, राइट? 2.5 किलोमीटर। चलिए, जय माता दी। और वहां से हमें अर्थक्वारी तक बहुत ही रास्ते नाइसली लिट था, बहुत सारी लाइटिंग थी, बहुत सारी शॉप्स थी, खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ढाबे थे, छोटे छोटे फ्रूट्स के लिए आप ताज़ी मूली गाजर खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, फ्रूट्स की शॉप्स भी थी, शॉपिंग भी कर सकते हैं। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड चढ़ते हुए शॉपिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ऊपर तक सामान लेके जाना पड़ेगा, अगर आपको करनी भी है तो उतरते हुए कीजिएगा। तो बड़े आराम से अर्धकुमारी तक रास्ता बीत गया। अर्धकुमारी मतलब आधा रास्ता, वहाँ तक 6.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता। अब अर्धकुमारी पे रुकने के बाद हमने डिनर कर लिया, तो नियरली 10:30-11 बजे थे या 11 बजे होंगे। हमने डिनर वहीं पे करा, राजमा और रोटी, तो बहुत ही लाइट डिनर किया, सिंपल सा। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर भवन के लिए चल दिए। भवन के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं, जो ये मैं आपको गुफा का रास्ता बता रही हूँ, ये वाला रास्ता है छोटा पड़ता है और यहाँ से सादा सिंपल रास्ता है जो काफ़ी आसान है, 5.5 किलोमीटर का भवन की तरफ, तो हमने यही रास्ता लिया। एक चीज़ और, अगर आपको कुछ भी खाना है तो अर्धकुंवारी से पहले या अर्धकुंवारी पे खा लें। अर्धकुंवारी से भवन तक के रास्ते में आपको खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको भवन पे ही खाना मिलेगा। तो कुछ गवर्नमेंट आउटलेट्स हैं बीच में, बट प्राइवेट में कोई भी ढाबे नहीं है, तो गवर्नमेंट आउटलेट्स में थोड़ी भीड़ मिल सकती है, तो इसलिए अर्धकुंवारी पे ही खा लें या उससे पहले खा लें, नहीं तो जाके भवन पे ही खाएं। तो हमने अर्धकुंवारी से फिर रास्ता स्टार्ट किया, उसके बाद ज़्यादा शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो हम बस चलते गए, पर रास्ता बहुत ही साफ है। धीरे धीरे आपको ऊपर जाते हुए भवन दिखाई देने स्टार्ट हो जाता है, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि भवन अब आने ही वाला है। तो नियरली 1:30 बजे के आसपास हम भवन पे पहुंच गए। अब भवन पे अगर आपको दर्शन करने के लिए सब सामान रखना पड़ेगा, आप अंदर दर्शन करने के लिए जब आप जाते हैं आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते एक्सेप्ट अपने रुपए के, तो आप अपना कोई भी पर्स, बेल्ट, वॉच, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जा सकते, शूज़ या आपका कोई भी हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये सब रखने के लिए प्रॉपर लॉकर्स बने हुए हैं भवन पे, तो आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको टिप बताना चाहूँगी, अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आता है लॉकर वन में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, तो आप वहाँ से 200-300 मीटर आगे चले जाएंगे तो आपको रास्ता दिखाई देगा लॉकर 2 के लिए। आप लॉकर 2 में सामान रख सकते हैं, वहाँ पे आपको भीड़ कम मिलेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द लोग लॉकर 1 पे ही अपना सामान रखना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आता है। तो हमने लॉकर 2 पे हम लोगों ने अपना सामान रखा, हमें फॉर्चुनेटली कोई लाइन नहीं मिली, और वहाँ पे सामान रखने के बाद हमने अपने जूते वगैरह भी उतार दिए थे। उसके बाद कुछ भी आगे अलाउड नहीं था, मोबाइल वगैरह, तो हमने वहीं से सामान रख के हम लोग लाइन में लग गए थे गेट नंबर 3 से, और फिर हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। तो उसके बाद हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से आराम से हुए, प्रॉपर लाइन्स थी, कोई भी धक्का मुक्की नहीं थी, लोग भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम थे क्योंकि हम रात के 1:30 बजे दर्शन कर रहे थे,
तो 3:15 बजे दर्शन करके हम वापस आ चुके थे। अभी हम पहुंच गए हैं सागर रत्ना। बेसिकली हम भवन पे पहुंच गए हैं और भवन के हम दर्शन भी कराए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और अगर अभी मैं आपको दिखाऊं मेरी वॉच पे टाइम हुआ है 3:22, और 3:22 तक हमारे दर्शन हो गए, हम वापस भी आ गए। और चांस की बात है, लक की बात है, हमें बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली। आई थिंक 1.25 घंटा लगा हमें, और बस लाइन चलती गई और हम दर्शन करते गए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। और उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो हम थोड़ी देर आए सागर रत्ना है रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने बैठ के कुछ खाया। और अब बस 5 मिनट और वेट करके हम अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, राघव ने बताया वहाँ पे जब हम ऊपर थे तो थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ बहुत ही खुशी वाला माहौल हो गया था। तो वी फेल्ट वेरी वेरी नाइस कि थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी देखने को मिली। ठंड बिल्कुल भी नहीं है जितनी हम सोच के आए थे, और डेफिनेटली कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है। शायद हमारा लक अच्छा है, आज का वेदर इस तरह का है कि हवा नहीं चल रही, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमारा भैरवनाथ का सफ़र भी कैसा रहा। तो उसके बाद हम भैरवनाथ की यात्रा के लिए स्टार्ट कर दिया हमने। भैरवनाथ भवन से नियरली 2 किलोमीटर्स है, और वहाँ का रास्ता या तो आप सीधा सीधा चल सकते हैं या फिर आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों वाला रास्ता शॉर्टकट है, जनरली हम सीढ़ियाँ प्रेफर नहीं करते क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ा क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, पर भैरवनाथ जाते हुए हमने सीढ़ियों से ही पूरा रास्ता गए। नियरली 1000 सीढ़ियाँ हैं भवन से भैरवनाथ के लिए, और सीढ़ियाँ हमने इसलिए ली क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है और वहाँ से घोड़े भी चलते हैं तो बहुत तेज़ आते हैं, काफ़ी डर लगता है। तो हम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के नियरली 40 मिनट में भैरवनाथ पहुँच गए थे भवन से। पर जब हम पहुँचे हमें पता चला वहाँ पे कोई लॉकर नहीं है, तो अगर दर्शन करने हैं एक एक करके जाना होगा ताकि हम अपना जूते या सामान एक इंसान के पास रख दें। तो क्योंकि हम अकेले नहीं जाना चाहते थे, तो हमने बाहर से ही भैरवनाथ को माथा टेक के हम वहीं से वापस चल दिए। एक चीज़ और, वापस आने का रास्ता दूसरा है, तो भैरवनाथ से सीधा 12 किलोमीटर पड़ता है नीचे काटरा तक, तो आपको वापस भवन आने की ज़रूरत नहीं है। तो वही फिर हम भैरवनाथ से वापस आ गए सीधा काटरा की तरफ। जितनी हमारी स्पीड थी जाते हुए, हम जाते हुए बहुत जल्दी चढ़ गए थे, नियरली 4 घंटे में हम ऊपर पहुंच गए थे, उतना ही हम स्लोली वापस आए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। टांगे भी दुख रही थी, कमर भी दुख रहा था, तो काफ़ी कुछ दुख रहा था, तो हम बट धीरे 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 हम चलते गए। तो हम वहाँ से धीरे धीरे नीचे आते गए और हम 8 बजे के करीब नीचे काटरा में पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम ऑटो लेके सीधा अपने रूम पे गए। रूम पे जब हम पहुँचे 8:15-8 बजे तक, तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ घंटे थे बिकॉज़ हमारे होटल का चेकआउट था 12 बजे, तो हम सो गए क्योंकि काफ़ी थक गए थे, रात को पूरी रात नहीं सो पाए थे। तो हम नियरली उठे 11:15 बजे और फटाफट बैग वगैरह पैक करके तैयार होके हमने उनके क्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया था। और फिर एक बार और हम मार्केट गए, हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे एक ढाबे पे दाल रोटी वगैरह खाया और थोड़ी बहुत और शॉपिंग की, प्रसाद वगैरह लिया, और बेसिकली 3 बजे हम ट्रेन से वापस चल दिए थे दिल्ली को। वापस आते हुए ट्रेन टाइम पे थी, तो हम 11 बजे स्टेशन पे आ गए थे और फिर सीधा हम घर आ गए। तो ये था हमारा सफ़र। मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ कि टोटल ट्रिप की कितनी लगी, मैं आपको नीचे दिखा दूँगी। और एक चीज़ और, अगर आपको प्रॉपर ब्रेकअप चाहिए कि कितना कॉस्ट लगा पूरे उसका, तो आप हमारे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी कैब की कॉस्ट, ऑटो का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, ट्रेन का कॉस्ट, सब कुछ भी स्प्लिट करके दे दूँगी, राइट। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, फील फ्री टू रीच आउट, आप प्लीज़ मैसेज लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई द सेम। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेम। बाय बाय।